other useful free tools and service inside, we learn about session number 3. We already completed 4, 13.1, 13.2, 13.3 and 13.4. Now learn about 13.5, the art software. और उसके अंदर हम सब पॉइंट प्लॉटिंग इन आर के बारे में क्लैरिफाई करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट 13.6 रिलेशनल प्लान, एक प्लानिंग करने का सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। और 13.7 कौन सा सॉफ्टवेयर है, स्काइपी, जो रियल टाइम चैटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप सो इसके बारे में आपने और भी सुना है, जैसे अभी व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, जब व्हाट्सएप वीडियो कॉल का फीचर्स नहीं था, बट वो टाइम पे ये फीचर्स कौन दे रहा था, स्काइपी। लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर 3। यू नो वेरिएबल डेटा कंप्रेसर, डेटा कंप्रेसर के अंदर ओरिजिनल फाइल, वीएलसी के बारे में हमने क्लैरिफाई किया ना, जो फ्री में मीडिया प्लेयर प्रोवाइड करते हैं, और गूगल मैप जो गूगल का फ्री सर्विस टूल्स है, आप इजीली उसका डेस्टिनेशन एंटर करके और उसको एंट्री करने की टोटल कितनी मेथड है, 2। आई होप सो उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल सेशन नंबर 2 के अंदर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और हम स्टडी करने वाले हैं आर सॉफ्टवेयर, जिसका लिटिल बिट इंट्रो मैंने सेशन नंबर 2 के अंदर क्लैरिफाई किया था। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज आर? आर एक सॉफ्टवेयर है जो फ्री में मिलता है, जो मोस्टली किसके लिए काम आता है, स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग। यू नो वेरी वेल व्हाट इज स्टेटिस्टिकल? अभी आप लोगे सर, वी ऑलरेडी हर्ड अबाउट इन कॉमर्स स्ट्रीम। एब्सोल्युटली राइट, कॉमर्स के इनसाइड जिसे स्टेटिस्टिकल है, जिसे लॉट्स ऑफ नंबर के साथ आप जब भी काम करना चाहते हो या उसके साथ आप क्लैरिफाई करना चाहते हो, तो आपके लिए एक यूजफुल सॉफ्टवेयर है, वो है आर सॉफ्टवेयर। सेकेंड, जीएनयू का प्रोजेक्ट है, वे आप लोग के सर ये क्या है, जीनियस नॉट अ यूनिक्स, क्या फुल फॉर्म है, जीनियस नॉट अ यूनिक्स नाम का एक प्रोजेक्ट था जो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर मींस आर सॉफ्टवेयर मोस्टली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए, आप लोग सर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लाइक नीड फाइंड आउट करना, मोडियन लाइक एरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना, ये सब बेसिक ऑपरेशन है जो आर सॉफ्टवेयर के अंदर हम परफॉर्म करने वाले हैं। आर सॉफ्टवेयर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यू नो वेरी वेल, जैसे जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट वो लिखते थे और हम अलर्ट लाने की ट्राई करते, जिससे सेम आर सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, खुद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और जहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो वहाँ पे किस सेंसिटिव है, जैसे आपके लिए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए बोथ आर सेम, बट आर सॉफ्टवेयर में कैपिटल ए एंड स्मॉल ए बोथ आर नॉट सेम। अभी आप लोग से डिफरेंट क्या है, इसमें अपर केस है तो उसके अपर केस है उसके लिए वो डिफरेंट है, ये स्मॉल है। सेकेंड जो लास्ट है, आर सॉफ्टवेयर में काम करने की टोटल 2 मेथड, एक कमांड लाइन इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको क्लैरिफाई करने के लिए, व्हाट इज फुल फॉर्म, CLI, वेरी गुड, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे हम Ubuntu के अंदर हम कमांड टाइप करके फोल्डर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कमांड लाइन। और GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसको क्या बोला जाता है, GUI। तो मैं यहाँ पे आपको टर्मिनल के अंदर से एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करवाने की ट्राई कर रहा हूँ, अगेन मैं फुल फॉर्म आपको इन्फॉर्म करता हूँ, CLI कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आर सॉफ्टवेयर आप जब स्टार्ट करते हो, ये जो स्क्रीनशॉट है वो रेफरेंस बुक में से है और ये ओरिजिनल Ubuntu के अंदर आर कॉन्सोल नाम का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर क्लैरिफाई किया है, उसमें दोनों में वर्जन डिफरेंट है। यहाँ पे आर सॉफ्टवेयर का वर्जन क्लैरिफाई किया गया है, उसमें कॉपीराइट का रूल्स और जो भी हमारी नेचुरल लैंग्वेज में हम इसको सपोर्ट करते हैं इंग्लिश के अंदर। इसके अंदर कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो डेमो, ऐसे रेडीमेड फंक्शन, कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प नाम का फीचर्स अवेलेबल है, दोनों में ये फीचर्स का नाम लिखा है, ओके। और यू नो वेरी वेल, जैसे यहाँ पे आपको ऐसे पैरेंथेसिस ब्रैकेट मिल जाएगा, फंक्शन है, ओके। आप हेल्प डॉट स्टार्ट करके लिख के भी
HTML का ब्राउजर मीन ऑनलाइन आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प डॉट स्टार्ट लिखना है, ब्रेक स्टार्ट ब्रेक इट ओवर। और आपको ऑफलाइन हेल्प चाहिए तो ओनली फॉर हेल्प लिखना है। और उसमें से एग्जिट होना हो तो क्या लिखना है, क्यू करके बाहर निकल सकते हैं। तो ये आपके लिए रिपीट कमांड के बारे में क्लैरिफाई किया। अगेन मैं रिपीट करवाता हूँ, डेमो, तो डेमो के लिए कोई ऑनलाइन हेल्प चाहिए, ऑनलाइन तो हेल्प राइट है। इसके बाद दूसरी भी ऑनलाइन हेल्प चाहिए तो हेल्प डॉट स्टार्ट करके ब्रेक स्टार्ट ब्रेक इट ओवर, जो HTML के ब्राउजर के अंदर मिलेगा। और इसमें से एग्जिट होना हो मीन्स आर सॉफ्टवेयर में एग्जिट होना, जैसे आप आर सॉफ्टवेयर कैपिटल लिखने से आप एंट्री लेते हो, देखो यहाँ पर भी आपने क्या लिखा था, कैपिटल आर, कैपिटल आर लिखने के बाद ही आप सॉफ्टवेयर के अंदर क्लाइमेंट के अंदर एंट्री लेते हो, उसके बाद एग्जिट होने के लिए क्यू है। तो ये आपके वाइवा और MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, आर सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री लेने के लिए कौन सा कमांड है, कैपिटल आर, एग्जिट होने के लिए क्यू करके ब्रेक स्टार्ट ब्रेक इट ओवर। उसमें डेमो के लिए डेमो का फीचर्स अवेलेबल है, हेल्प में हेल्प डॉट स्टार्ट और हेल्प भी अवेलेबल है। स्टूडेंट जो मैं पॉइंट हाईलाइट करवा रहा हूँ उसको नोट डाउन करिएगा, मोस्ट MP है आर सॉफ्टवेयर के अंदर। अभी देखो जैसे आर सॉफ्टवेयर के अंदर हम ब्लैक स्क्रीन के अंदर काम करते हैं, जिसे हम मैथ्स के अंदर कैसे वैल्यू असाइन करते थे, E=10, तो ए की वैल्यू क्या बन जाती है, बट ऑब्वियस आप लोग कैसे 10 बन गई। सेम यहाँ पे ए less than 10, तो ए की वैल्यू क्या बन गई, 10 बन गई। और ए लिखोगे तो डिस्प्ले करोगे तो 10 मिलेगा। सेम बी की वैल्यू असाइन करते हैं, बी less than equal to -10 20, ए की वैल्यू क्या बन गई, 20। जैसे ए मल्टीप्लाई बी करोगे दैट्स मीन्स 10 मल्टीप्लाई 20, तो बट ऑब्वियस उसका आंसर क्या आएगा, 200। तो ये जो आर सॉफ्टवेयर का मैंने आपको क्या बोला था, आर सॉफ्टवेयर का मेन यूज किसके लिए है, रिलेशनल सॉफ्टवेयर। इसके अंदर ओनली फॉर आप मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते, जैसे हमारे यहाँ पे एरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से हैं, प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, आप सब ऑप्शंस यूज कर सकते हो। बट पहले वो भी ऑपरेटर्स यूज करने के लिए मिनिमम कितने ऑपरेंड चाहिए, 2 ऑपरेंड चाहिए राइट है। जैसे यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है, जैसे एरिथमेटिक का दूसरा नाम क्या था, मैथमेटिक ऑपरेटर्स, टोटल यहाँ पे 4 है, पर जावा के अंदर टोटल लोग कहते आते हैं 5, क्योंकि इसमें मॉड्यूलस नहीं है, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेम एक दूसरे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, जैसे एक बार ये क्लैरिफाई कर लीजिए तो ए की वैल्यू असाइन करने के लिए और यहाँ पे आंसर मिल गया। सेम ए के अंदर मैंने क्या वैल्यूएशन की, 10, और मैंने उसको डिस्प्ले किया, बी के अंदर क्या किया, 10, और मल्टीप्लाई करके 2। पर जब आप एलएस करते हो, एलएस का एक नया यूज है, लिस्ट, एलएस का मीनिंग क्या होता है, लिस्ट, जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, ओके, एलएस का फीचर्स यूज करोगे तो आपको ए और बी आंसर आएगा, तो एलएस का मीनिंग क्या होता है, लिस्ट। ये सिंबल का क्या है, वैल्यू असाइन करना, सिंपल आपको कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करना हो तो उसके अंदर जो वेरिएबल है ए का नाम लिख के आप एंटर करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा सिंबल है ग्रेटर देन, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आपका कर्सर है, मीन्स कुछ भी एंट्री करते हो तो वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए वो रेडी है। स्टूडेंट जो भी पॉइंट मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ प्लीज इसके सिंबल के साथ सब नोट डाउन करते जाना। जस्ट लाइक लिनक्स सेल, जैसे लिनक्स के सेल के बारे में आपको क्लैरिफाई किया होगा, ऐसे ही आर सॉफ्टवेयर के अंदर हैशटैग से क्या होता है, कमेंट है। जैसे HTML की कमेंट अलग थी, जावा की कमेंट अलग थी, जैसे ये किसकी कमेंट है, जावा की सिंगल लाइन कमेंट है, ये HTML की कमेंट है, तो ध्यान रखना है एंड ऑफ द ईयर, ये सब कुछ लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन, वो सब में कमेंट है, सबके कमेंट का सिंबल डिफरेंट है, और आर सॉफ्टवेयर के कमेंट का हैशटैग, और हैशटैग जावा के अंदर एक्चुअली वो क्या है, प्रोटेक्टेड भी है, तो
तो मिक्स ना हो जाए, इसके लिए मैं आपको अगेन एंड अगेन रिकॉल करके जितने भी हो सकती है इतना पॉइंट्स मैं क्लैरिफाई करवाने की ट्राई कराऊँ। नंबर्स एंड स्ट्रिंग आर बेसिक डेटा टाइप्स ऑफ आर। जैसे आपको जावा के अंदर बेसिक डेटा टाइप पूछा तो टोटल कितने आएंगे, सेम कंपोजिटिंग हो तो ओके एरे एंड स्ट्रिंग, बट आपको आर सॉफ्टवेयर के अंदर क्लैरिफाई किया गया है तो आपके लिए कौन सा डेटा टाइप्स होगा, नंबर एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स व्हाट, अनक्लोज इन सिंगल कोट और डबल कोट। अभी देखिए यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर आप एक्स वाई जेड लिखते हो, आर सॉफ्टवेयर के अंदर सिंगल कोट के अंदर उसको भी स्ट्रिंग बोला जाता है, और डबल कोट के अंदर आप एक्स वाई जेड लिख रहे हो उसको भी क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रूल्स चेंज है। अभी देखो स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको समझाया था, ये प्रॉम्प्ट है, ए के अंदर वैल्यू असाइन की है लेस देन एंड माइनस 10, और ए की वैल्यू क्या बन जाती है 10। तो यहाँ पे ए क्या था, वेरिएबल जो वैल्यू क्या करता है, स्टोर करता है, और असाइनमेंट के लिए आगे वाले में जावा के अंदर इक्वल टू था, बट यहाँ पे क्या है, सिंपल है लेस देन माइनस साइन, और वैल्यू क्या है 10। आर ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिक स्टेटिस्टिकल ऑपरेशंस राइट क्वेरिंग द स्टेट फॉर अ फॉर्म, जैसे प्लॉटिंग इन आर। अभी देखो स्टेटिस्टिकल फंक्शन के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे एग्जांपल आपको इसके अंदर आर सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री लेने के लिए कैपिटल आर से एंट्री लेना है, एग्जिट होना हो तो क्यू करके बाहर निकल जाना, ये एंट्री के लिए और ये एग्जिट के लिए। ओके ये सब तो ठीक है, कोई भी डेमो चाहिए तो मैंने आपको बोला था डेमो के लिए कौन सा फीचर्स है, डेमो खुद डेमो के लिए डेमो, बट उसके पीछे ब्रैकेट आना चाहिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो HELP हेल्प नाम का क्या है, यहाँ पे कमांड है जो टर्मिनल के अंदर आर सॉफ्टवेयर के अंदर आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक आउटपुट मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको दूसरा कौन सा हेल्प बोला था, हेल्प डॉट स्टार्ट, ओके ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, और LS नाम का एक ऑपरेटर फंक्शन हम लिख रहे थे लिस्ट ऑफ द आइटम, ओके एक फंक्शन है जो डिस्प्ले करेगा लिस्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स हैव बीन डिफाइंड, जो भी हमने डिफाइन किया था, जैसे अभी हमने उसका यूज भी देखा था। अभी देखो आर सॉफ्टवेयर का यूज ओनली फॉर ये एरिथमेटिक ऑपरेशन करना नहीं है, उसके अलावा आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड के अंदर मैक्स मिनिमम फाइंड आउट करना, मैक्स फाइंड आउट करना, राइट है मीन फाइंड आउट करना, मीडियन फाइंड आउट करना। अब आप लोग सर एक्चुअली है क्या, यस आर सॉफ्टवेयर स्टेटिस्टिक्स के अंदर वही तो है, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे LL करके लिस्ट करके वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 3C लिख के 3 6 8 3 4 5 9 4 7 3, वो किसके अंदर जाएगा LL, मिनिमम कितना है इसके अंदर, तो देखो मिनिमम जैसे लिखोगे आंसर 3 आ जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट वन, बट ये इसके अंदर मैक्सिमम कौन सा है तो उसका आंसर क्या आएगा 9। देखो यहाँ पे 9 हाईएस्ट है, ओके इसके लिए 9 मैक्सिमम, मिनिमम 3 है। मीन का मीनिंग क्या होता है, अभी ये सबका टोटल करके जो भी एवरेज बनेगा वो मीन के अंदर आंसर आ जाएगा। मीडियन जो सेंटर में जो रिपीट होता हो, 6 6 रिपीट हो रहा है और उसके अंदर से मीडियन, ऐसे मोड तो कितने फीचर्स हमने यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम मिनियन मीडियन और उसके अंदर लिस्ट होना चाहिए। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, बट यहाँ से हम नया जो पॉइंट क्लैरिफाई करने वाले थे उसको बोलते हैं प्लॉटिंग इन आर। क्या बोला जाता है, प्लॉटिंग इन आर। अभी देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने ये सिंबल यूज करके क्लैरिफाई किया सी लिखा है और उसके अंदर हमने वैल्यू लिख रहे हैं, ओके ये है कॉलम।
इसके बाद सेकंड रो के अंदर फैकल्टी नेम्स मेडिकल इंजीनियरिंग साइंस कॉमर्स आर्ट्स एंड लॉ, ये हमने सेकंड के अंदर वैल्यू स्टोर की। तो हमारे पास रो एंड कॉलम के हिसाब से यहाँ पे आप अच्छी तरह समझोगे तो फैकल्टी जो नेम है ना वो क्या बन जाती है, एक्स या वाई, एक्स एंड वाई। बार प्लॉट, आपको कैसा प्लॉट चाहिए, बार नाम का जिसमें स्टूडेंट्स नेम होना चाहिए, मेन फैकल्टी वाई स्टूडेंट्स, ओके, जो हेडिंग है मेन हेडिंग है, और एक्स लैब, एक्स लैब के अंदर क्या लिखोगे, फैकल्टी, तो फैकल्टी के अंदर जैसे ये है एक्स एक्सिस, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या बन जाता है, वाई एक्सिस, जैसे आपको मालूम है ना ऐसा, तो ये है एक्स ये है वाई, मेन जो है ना वो यहाँ पे है, ये पूरे ग्राफ का हेडिंग है। इसके बाद प्लस, यहाँ पे देखो प्लस का मीनिंग होता है प्रॉम्प्ट, जब तक ये लाइन एंड नहीं होती, देखो ये लाइन एंड नहीं हो कंटिन्यूस है, इसके लिए उसको इंडिकेटर है प्लस, जैसे ये लाइन होता है वापस यहाँ पे प्रॉम्प्ट का सिंबल आ जाएगा। वाई लैब एक्स लैब के अंदर फैकल्टी नेम लिखा, वाई लैब के अंदर हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट नेम्स, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो वाई है, नंबर ऑफ द फैकल्टी नेम्स है वो क्या है, एक्स है, तो बी केयरफुल। और वाई लैम उसकी साइज और बॉर्डर क्या होना चाहिए, ब्लू, हमने एक्स्ट्रा आर्गुमेंट पास किया। ओके स्टूडेंट प्लीज एक बार अच्छी तरह वापस देख लीजिए जो एक एक पॉइंट्स मैं आपको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। मैं आर्ट सॉफ्टवेयर में इसमें मिनिमम मैक्सिमम मीन मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो, इसके अलावा आपको यहाँ पे बार चार्ट या हिस्टोग्राम चार्ट ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे आपके पास रेडीमेड या प्लॉटिंग ग्राफिक इन आर के बारे में समझाया गया, तो आप देख रहे हो ये चार्ट आपको यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया, एक बार फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज कर लीजिए प्लीज। ओके तो यहाँ पे देखो आपके पास दो टाइप के चार्ट्स अवेलेबल है, जो आर के अंदर प्लस का सिंबल प्रमोट के थ्रू ये समझाया गया है, जैसे मैं आपको एक एक चार्ट के बारे में क्लैरिफाई करवा देता हूँ। जैसे ये जो फर्स्ट चार्ट है, ये कौन सा चार्ट है बोलो, बार चार्ट है, तो ये कौन सा चार्ट है, हिस्टोग्राम। ओके अब देख रहे हो यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे फैकल्टी के अंदर क्या लिखा था, एक्स लैब में क्या लिखा था, फैकल्टी, तो ये एक्स हुआ, यहाँ पे नेम है ये वाई हुआ है। ओके उसके अंदर जो हमने एक्स के अंदर क्या लिखा था, दूसरा फैकल्टी नेम लाइक मेडिकल, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। बाद में जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन की थी वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, जिसके लिए वील नेम वो सब हमने क्लैरिफाई किया था। सेम उसके जैसा चार्ट आपको क्या बनाना है, हिस्टोग्राम, तो यहाँ पे हिस्टोग्राम के अंदर दोनों को चार्ट अलग अलग में क्लैरिफाई करने से बेटर एक ही पॉइंट्स के अंदर मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मार्क्स, और ये ऑप्शंस, प्लीज स्टूडेंट इसके अंदर प्रॉपर वे में एक बार क्लैरिफाई करेंगे। ओके ये ऑटोमेटिकली आर सॉफ्टवेयर क्या करता है, जनरेट करके रेडी कर देता है। आपको ये सब ओनली फॉर कमांड के थ्रू ये सब पॉइंट्स लिखना है। ओके ये सब हमने नोट डाउन किया था, उसकी वजह से ऐसे दोनों चार्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है और आप यहाँ पे ये पॉइंट्स क्लैरिफाई भी कर रहे हो। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं हो। नेक्स्ट जो है वो रिलेशनल प्लान है, नाम से ही आपको मालूम पड़ जाएगा रिलेशनल प्लान का मेन पर्पस है प्लानिंग करना। रिलेशनल प्लान इज वन सच ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कैसा सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल प्लान ओपन सोर्स है, डिजाइन टू असिस्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर इन प्रिपेयरिंग द मेंटेनिंग एज वेल एज फॉलो ऑल द वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट प्लान। मीन्स जो भी प्रोजेक्ट है उसको प्रॉपर वे में रिमाइंडर करना, प्रॉपर वे में साइकिल से चलाना, प्रॉपर मैनेज करने के लिए आपको रिलेशनल प्लान जैसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, उसका मैंने लोगो भी यहाँ पे आपको डिफाइन करके रेडी कर दिया। और ये सब सॉफ्टवेयर कैसे मिल जाते हैं, फ्री में, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, इट इज असिस्टेंट द प्रोजेक्ट मैनेजर थ्रू आउट द लाइफ साइकिल एंड द प्रोजेक्ट।
करोगे, दैट्स मींस जिसे आपके सेल फोन के अंदर रिमाइंडर है या टू डू लिस्ट है जो आपको प्रॉपर वे में टाइम टू टाइम रिमाइंड करके आपका टास्क वो आपको क्या करेगा, रिमाइंड करेगा। तो रिलेशनल प्लान भी इसके जैसे ही सॉफ्टवेयर है, बट रिलेशनल प्लान के अंदर 3 पार्ट्स हैं, उसके बारे में अभी हम क्लैरिफाई करने वाले हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाएंगे। रिलेशनल प्लान व्यूअर कैन ऑल्सो एडिशनल टूल्स डेवलप थ्रू द शेयर प्रोजेक्ट डॉट विच फॉर्मेट एक्सटेंशन XRP। कौन सा एक्सटेंशन है? XRP। जैसे आपको समझा दूं, रिलेशनल प्लान के अंदर टोटल 3 मेथड है, सिंगल, मल्टीपल एंड व्यूअर। तो रिलेशनल प्लान में टोटल कितने पार्ट्स है? 3। अगेन मैं कॉल करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल। भाई सिंगल का मीनिंग क्या होता है? रिलेशनल प्लान सिंगल अलाउ द मैनेज द इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट दैट डू नॉट हैव द कॉमन रिसोर्स। दैट मींस सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट करना है? सिंगल प्लान यूज। बट आपकी विश है सर रिलेशनल प्लान में मल्टीपल काम करना है पैरेलल, क्योंकि हमारे रिसोर्स कम है और उसको यूटिलाइज करना है। रिलेशनल प्लान मल्टीपल अलाउड द मैनेज द प्रोजेक्ट शेयर द कंपनी रिसोर्स अक्रॉस द प्रोजेक्ट। ओके, और जो व्यू है, व्यू क्या करेगा? सिंगल से बनाओ या मल्टीपल बनाओ से, उसको एनालिसिस करने के लिए या मैनेज करने के लिए व्यूअर है। और जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर उसका फॉर्मेट है वो XRP है। समझाता हूँ, एक ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बनने के टाइम आप देख रहे हो GCB है, रोलर है, जो भी मेन पावर है वो एक ही पर्सन के अंदर, जिसे नाइट के अंदर वो स्टॉप रहता है, राइट, जो रिसोर्स है वो स्टॉप होता है और एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। बट आपके एरिया में नज़दीक में 2 ब्रिज बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्राउड का प्रॉब्लम है या ट्रैफिक का इश्यू हो तो क्या करते हैं, डे में एक ब्रिज बनता है जहाँ ट्रैफिक कम हो, नाइट के अंदर जहाँ ट्रैफिक क्राउडेड है वो नाइट में, एक ही मशीनरी का, एक ही रिसोर्स का, एक ही मेन पावर का आप मल्टीपल यूज करो एज पर योर रिक्वायरमेंट, और उसका प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए, रिसोर्स का यूटिलाइज करने के लिए आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए? रिलेशनल प्लान नाम का। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है? रिसोर्स डेटा लाइक वर्क कॉस्ट, ओवर एलोकेशन, ओवर टाइम कब करवाना है, प्रोजेक्ट का पूरा पोर्टफोलियो को व्यू करना हो तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया कर सकते हैं। रिलेशनल प्लान व्यू के अंदर भी ऐसा ही है, उसको शेयर करना है प्रोजेक्ट, वो ओरिजिनल फाइल जो है था, वो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट फाइल है, इसके हिसाब से पूरा शेड्यूल मैनेज किया जाता है। बट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, रिलेशनल प्लान जो सॉफ्टवेयर है ना, रिलेशनल प्लान सॉफ्टवेयर है वो 10.0.4 के अंदर, अगेन मैं रिपीट करवा दो, 10.0.4 के अंदर वो रिमूव हो चुका है, उसमें वो काम नहीं करेगा। मींस आपको रिलेशनल प्लान सपोर्ट करना चाहिए, आपको चलाना है तो उबंटू के अंदर 12.04 का वर्जन होगा, उसमें रिलेशनल प्लान सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा और वो लेटेस्ट वर्जन में आपको अवेलेबल है। तो रिलेशनल प्लान अगेन मैं आपको रिवाइज करवा दूं, रिलेशनल प्लान फ्री सॉफ्टवेयर है, पैरेलल वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डेडिकेशन वाले, जैसे एग्जांपल ओके, जहाँ प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंट है, जैसे वो भी टास्क टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसको इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो आपके हिसाब से, जब मोस्टली कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंजीनियरिंग सर्विस, कंसल्टेंसी, बिजनेस और सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में जहाँ डेडलाइन इम्पोर्टेंट है, टास्क और एंडिंग टाइम इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे रिलेशनल प्लान मोस्टली यूजफुल है। रिलेशनल प्लान के टोटल कितने टाइप्स हैं? 3, सिंगल प्लान, मल्टीपल प्लान एंड सिंगल प्लान, एज वेल एज मल्टी प्लान को व्यू करने के लिए रिलेशनल प्लान व्यूअर है, उसका फॉर्मेट है .xrp। प्लीज स्टूडेंट इसको नोट डाउन करिएगा, और अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, उबंटू का जो सॉफ्टवेयर कौन सा वर्जन है, 10.0.4, जिसमें रिलेशनल सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करेगा। बट उसके अलावा जो 10.0.4 है, 10.0.4 ओके, जो 12 करके यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्ट एंड स्वीट 10 के अंदर सपोर्ट नहीं करता है, 12 के अंदर सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो न्यू वर्जन है।
उसको एक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे लिटिल बिट रिलेशनल प्लान का सॉफ्टवेयर का एक स्टडी या प्रोजेक्ट है, उसके अंदर इन्फॉर्म है, कैलेंडर है, प्लान है, रिस्क फैक्टर है, सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके नोट्स है। प्लानिंग के अंदर शेड्यूल टास्क है, डिफाइन है, असाइनिंग लेवल राइट, कंट्रोलिंग कौन सा है पर किसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें हाउस डिजाइनिंग है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट्स है राइट, ये सब ऑप्शन दिया हुआ और ये है ना खुद का स्क्रिप्ट बना के रेडी कर दिया। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है उसके उसके किसके किसके चार्ट के ऊपर उसकी इफेक्ट होने वाले। तो यहाँ पे आप देख रहे हो उसको व्यू करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन है .xrp ओके। तो ये मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू भी आपको पूरा पॉइंट्स और ग्राफ के साथ समझाने की ट्राई करने की क्लैरिफाई करवा रहा हूँ और इसे प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करेंगे। लास्ट जो पॉइंट है वो स्काइपी है। स्काइपी के बारे में भी आपने थोड़ा सा सुना है। स्काइपी इज अ वन सच सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू मेक द यूजिंग कॉल फॉर इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करके, कंप्यूटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम कॉल कर सकते हैं ओके। फर्स्ट यूज प्लीज इसको पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट जो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, स्काइपी सर्विस अलाउ यूज टू कम्युनिकेशन विद द पीयर यूजिंग वॉइस वीडियो एज वेल एज टेक्स्ट। दैट मींस आप रियल टाइम चैटिंग कर रहे हो, जैसे लाइक मूवी देख रहे हो, इसके जैसे ही स्काइपी आपको रियल टाइम आप फेस टू फेस वॉइस के टू वॉइस और चैटिंग करने का भी फीचर्स कौन दे रहा है, स्काइपी नाम का सॉफ्टवेयर, जो आपको किसके जैसा मिलेगा लाइक याहू मैसेंजर, वो भी फीचर्स दे रहा था, गूगल टॉक वो भी उसके जैसा फीचर्स दे रहा था ओके। इसके बाद रेडिफ बोल टोटल स्काइपी जैसे टोटल कितने सॉफ्टवेयर है जो ऑन द स्पॉट आपको लाइव रियल टाइम चैटिंग करने का फीचर्स देता है यूजिंग फॉर टेक्स्ट वीडियो एंड वीडियो फैसिलिटी। लाइक अभी व्हाट्सएप दे रहा है, व्हाट्सएप के अंदर जैसे जो काम करे तो उससे पहले ये बेटर फीचर्स इसमें था, स्काइपी में भी है और अभी भी अवेलेबल ही है। तो याहू मैसेंजर भी दे रहा था, गूगल टॉक है, रेडिफ बॉल है, बट इसमें से सब में बेस्ट कौन सा था, स्काइपी था राइट। स्काइपी इज अ वन ऑफ द सच सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द मेक कॉल इंटरनेट यूजिंग आवर कंप्यूटर। इसके लिए इंटरनेट होना चाहिए। नेक्स्ट, स्काइपी सर्विस अलाउ यूजर टू कम्युनिकेशन विद द पी टू पी वॉइस। नेक्स्ट, स्काइपी सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोड एज अ फ्री कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं है डाउनलोड करने का। दिस इट इज अ सोर्स टैब इज प्रोप्राइटरी and not available from the modification। हाँ, प्रोप्राइटरी है, फ्री में सॉफ्टवेयर मिलता है पर इसमें कोई चेंजेस करना अलाउड नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे गूगल का यूज करके कैसे डाउनलोड किया जाता है उसका भी बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ स्काइपी का पूरा एक ओल्ड वर्जन है जो लिनक्स के अंदर कैसे सपोर्ट किया गया उसके बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई किया है जो वर्जन है। जैसे स्काइपी स्टार्ट करते हो स्काइपी का नेम होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए, जिसको आप कॉल करने की ट्राई कर रहे हो उसके पास भी स्काइपी नाम का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसके पास खुद का यूजर नेम एंड पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद ही उसके अंदर साउंड इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए लाइक वेबकैम है, माइक्रोफोन है, राइट स्पीकर है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा। स्काइपी स्टार्ट करना है उबंटू के अंदर, उसके लिए कौन सी सीक्वेंस है, एप्लीकेशन, इंटरनेट एंड स्काइपी। अगेन मैं रिपीट करवाता हूँ, आपको एप्लीकेशन में जाना है, इंटरनेट एंड स्काइपी में जाना है। टू यूज द स्काइपी सर्विसेज यू विल नीड कंपलसरी यूजर अकाउंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे स्काइपी का मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको लाइव डेमो करना चाहता हूँ, मैं हम ट्राई कर सकते हैं जैसे लैपटॉप के अंदर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जी, सबसे पहले गूगल में जाके आप स्काइपी लिखना तो आपको यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगी, स्काइपी कम्युनिकेशन टूल फॉर फ्री कॉल्स एंड चैट, और इसका लोगो के बारे में आपको क्लियर है, कई सारे वर्जन अवेलेबल है जिसे आपको उबंटू में से चाहिए या डायरेक्टली मीट के अंदर है। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्काइपी डाउनलोड करने का फीचर्स अवेलेबल है जो फ्री में मिलता है पर प्रोप्राइटरी है ओके। एक साथ आप लाइव चैटिंग कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, उसका कोई चार्जेस नहीं है। एंड ऑफ द एग्रीमेंट जो होता है वो आपको टिक करना है, इसमें आई एग्री करके ऑप्शंस कर लेना है ओके। आप यहाँ से डायरेक्टली टर्म एंड कंडीशन के डाउनलोड कर सकते हो और मोबाइल के एप्लीकेशन का भी फीचर्स अवेलेबल है
मैं अभी जैसे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो ये हुआ उसका मेन न्यूज़। तो आप डायरेक्टली उसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल है। बट मैं डायरेक्टली लाइव डेमोस्ट्रेशन करना चाहता हूँ फ्री ऑफ चार्ज। तो मैं यहाँ पे जितने भी मेरे वेबकैम है वो सबको मैं अलाउड करता हूँ और हम देखते हैं कंटिन्यू विदाउट ऑडियो एंड वीडियो। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल गया है चैट करने के लिए, वॉइस का अपडेट करने के लिए, स्टार्ट द मीटिंग। मैं यहाँ पे चैट भी कर सकता हूँ राइट कॉन्फ्रेंस के अंदर। ओके समझ में आ रहा है? स्टार्ट द कॉल, स्टार्ट द मीटिंग। ये मीटिंग अवेलेबल है, आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा वेबकैम भी ऑफ कर देता हूँ, माइक्रोफोन अवेलेबल है। वेटिंग फॉर अनदर टू ज्वाइन, जितने भी पर्सन यहाँ पे पार्टिसिपेट होना चाहिए वो यहाँ पे पार्टिसिपेट भी हो सकता है राइट है। तो ये मैं ऑप्शन इसके लिए जिसे कॉल करना है रिंग टू ऑल, तो मैं कॉल भी आपको कॉल कर सकते हो डायरेक्टली टेलीफोनिक। ओके इसके अलावा यहाँ पे चैट का ऑप्शन भी है, मैं रियल टाइम में जो भी पर्सन है ओके उसको चैट भी कर सकता हूँ। हेलो ओके मैंने यहाँ पे चैट भी कर रहा हूँ रियल टाइम, साथ में मैं स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकता हूँ एज पर माय रिक्वायरमेंट। रेजो एंड का भी फीचर्स अवेलेबल है, कोई भी आपको क्वेरी हो तो उसके अंदर से। रिएक्शन का भी है, आपको जो भी यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना हो, एक्स्ट्रा भी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। सेटिंग का ऑप्शन जो है, तो मैं स्काइपी के अंदर से ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करवा रहा हूँ जो भी आपको ग्रीन में दिख रहा है ओके। जो भी स्पीक कर रहा है वो उसको पहले ओके। और ये आई थिंक ये फीचर्स के बारे में अभी लास्ट में एंड ऑफ द कॉल कर देता हूँ, जिससे मैंने आपके लिए ये सब कुछ मैंने रेडी करके सब क्लैरिफाई किया है। आई होप सो इसके अंदर आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। स्काइपी के बारे में देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, जैसे डाउनलोड होकर रेडी होगा तो ये फीचर्स आपको मिल जाता है ओके। जैसे मैंने आपको राइज न्यू फीचर्स है, स्काइपी कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर्स है, एच डी वीडियो कॉलिंग का भी ये फीचर्स अवेलेबल है। तो मैं रियल में अभी आपके पास जो स्काइपी है ओके वही मैंने डेमोस्ट्रेशन करके आपको मैंने क्लैरिफाई कर दिया है सिंपल। अगेन मैं आपको इन्फो, स्काइपी का जो यूज़ कर रहा हूँ ना, तो सामने वाले पर्सन मीन्स रिसीवर के पास भी स्काइपी का यूजरनेम पासवर्ड होना चाहिए, तभी ये सब पॉसिबल है। दोनों के अंदर एग्रीमेंट होना चाहिए और स्काइपी का जो वर्जन है ओके वो आपके पास क्लियरिफाई होना चाहिए। जो भी टर्म एंड कंडीशन है आपको क्या करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा। आई होप सो इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होगी और जो भी हमने सॉफ्टवेयर के बारे में क्लैरिफाई किया है सॉफ्टवेयर आपको क्लियर हो जाएगा। ये यूजफुल सॉफ्टवेयर के अंदर हमने क्या क्या क्लैरिफाई किया था, डेटा स्ट्रक्चर मीन्स डेटा कंप्रेशन, इसके बाद आर्किटेक्ट मैनेजर एज वेल एज VLC, आर सॉफ्टवेयर, गूगल मैप, कैरेक्टर मैप ओके। इसके बाद लास्ट में हमने क्यों कौन सा पॉइंट्स क्लैरिफाई किया था कैरेक्टर मैप के अलावा, यस रिलेशनल प्लान, उसमें टोटल 3 पॉइंट थे और लास्ट पॉइंट था वो स्काइपी का। आई होप सो सेशन 1, 2, 3 प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करना, उसकी नोट्स भी आप बना के रेडी करना, ये चैप्टर्स के वेटेज अपने हिसाब से आपको क्लैरिफाई करना है। आई होप सो आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।